73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सिरसा बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद परेड की सलामी और परेड का निरीक्षण किया। इससे पहले हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा शहीदी स्मारक पहुंचे और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। भाई और बहनों, सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को सम्मान, न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूँ। गणतंत्र दिवस के हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। यह वर्ष हम आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में भी मना रहे हैं और ऐसे भी अनेक शहीद हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आए, उन्होंने अपना सब कुछ इस देश की आजादी के लिए बलिदान करने का काम किया और इसके लिए हमने 23 जनवरी को जो भी शहीदी दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के रूप में हम मनाते हैं, उनकी जयंती को एक पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने लिया और उसमें हमने पूरे सभी गांवों के अंदर, शहर के अंदर अमृत महोत्सव मना करके उन सभी आम पब्लिक से भी ये निवेदन किया कि जो हमारे जो शहीद थे, जो आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आए, उनको भी आगे लाने का काम करें, नाम बताने का काम करें, ताकि हम उन शहीदों का भी जो है सम्मान कर सके जो अज्ञात शहीद थे। गणतंत्र मैं देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जाबान जवानों को भी सलाम करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणा से है। भाइयों और बहनों, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के कठोर संघर्ष से हमें आजादी मिली, तो वहीं दिन रात मुस्तैदी से देश की सीमाओं की निगहबानी करने वाला वीर सैनिकों के कारण हमारी यह आजादी सुरक्षित है। आज पूरा देश उनका ऋणी है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्धसैनिकों बलों के जवानों के अनुग्रह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। इसी प्रकार आईटीडी ब्लास्ट में शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है।